Thank you अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं माय यूट्यूब फ़ैमिली उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आज हम जा रहे हैं शॉपिंग पे तो ब्लॉग जो है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है शॉपिंग करेंगे और आपको भी साथ में इन्जॉय करवाएंगे तो उसके बाद ये है कि जैसे जैसे हम जो जो चीज़ ख़रीदेंगे आपको भी दिखाएँगे और हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं अच्छी और दूसरी ये है कि वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है और उसके बाद आपने शेयर करना है लाइक like करना है और क्या करना है सब्सक्राइब करना है <laughs> हाँ जी तो चले मिले आज मिले बेटे की शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ दुआ करें कि जितनी खुशी से हम जा रहे हैं शॉपिंग पे उतना ही अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें नाजल फरमाए और अच्छे तरीके से और खुशियों से हमारा जो टाइम है ना वो गुजरे आमीन आमीन हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड बिकॉज़ मामा ने आपको इंट्रो दिया है सो आई वाज लाइक मुझे अभी आपसे सलाम लेनी चाहिए तो जो आप मेरे हाथ में जो बिग सॉरी गिफ्ट का बॉक्स देख रहे हैं इसमें मेरा लॉकेट था जिसके ऊपर मैंने पिक्चर्स लगवानी थी मैंने लगवानी थी अपनी और ये जो है ना हम लोग लेके जा रहे थे स्टूडियो में स्टूडियो में लेके जा रहे थे वहाँ पे मैंने सोचा कि हम लोग जा रहे हैं बाजार एज़ यूजल आपको पता है हम लोग जा रहे हैं बाजार की मामा ने आपको इंटरव्यू दिया तो मैंने कहा मामा रास्ते में स्टूडियोज आते हैं बहुत ज़्यादा सो हम लोग यहाँ से पिक्चर जो है ना वो बनवा लेते हैं तो यहाँ पे गए यहाँ पे एक इशू आ गया कि जो आपका साइज़ है लॉकेट का दैर वॉज़ वेरी स्मॉल तो आपको पिक्चर जो है ना वो मे बी नहीं मिलेगी सो एफ वॉज लाइक नहीं आप हमें ना पासपोर्ट साइज़ से बहुत स्मॉल पिक्चर बना दे जो आपका बिल्कुल लास्ट साइज है तो उन्होंने फिर हमें वो बना के दी उसके बाद मैंने उनको कटिंग की घर आके और दैन उसके अंदर फिक्स हुई थी वो फ़ोटोज़ वो भी मैं आपको लॉकेट इन शाला इन शेरी सून दिखाऊँगी जब वो लॉकेट दिखाने का मौका होगा और फिर हम लोग ने पिक्चर बनवाई यहाँ पे पिक्चर बनवाते हुए काफ़ी टाइम लग गया आई थिंक ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स यहाँ पे लग गए थे बिकॉज यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ ही कनेक्ट नहीं हो रहा था और फिर इस पेपर में जो है एनवेलप में मेरी पिक्चर्स थी कार्ड में पिक्चर्स थी हमने वो पिक की और उसके बाद हम चले गए अपनी डेस्टिनेशन पर एज़ यू you नो know दैट हम लोगों ने कहाँ जाना था मामा ने आपको इंट्रो में बता दिया ऑलरेडी तो हम लोग वहाँ पर चले गए एंड अलहमदिल्लादिल्ला माशा 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 हम लोगों ने अपनी शादी well की स्टार्ट कर दी है शॉपिंग आई नो वेरी वेल दैट हम लोगों ने बहुत लेट किया है बिकॉज ऑफ़ सम इशूज़ तो अब हम लोग कर रहे हैं इन श्ला दुआ करें अल्लाह ताला हमारे काम में हैर और बरकत करें आमीन शु आमीन सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए फिर हम यहाँ पे आए शाप पोस्ट पर तो शाप पोस्ट की वैरायटी लाइक जस्ट ओके द वैरायटी वाज जस्ट ओकेर okay इतनी अच्छी नहीं थी मुझे लगी जस्ट ओके ओके थी बहुत ज़्यादा लाइक like, दिल को एकदम अट्रैक्ट कर वा, करने वाली नहीं थी तो आई वॉज लाइक मामा यहाँ से नहीं लेते इससे अच्छा हम कोई और शॉप जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं वहाँ से मे भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ बट वन ऑफ द फ्रॉक फ्राम दैम वॉज़ वेरी गुड वो आपको मामा आगे दिखाएंगी तो अभी मैंने आपको बाय द वे बताना नहीं है कि हम लोगों ने क्या चीज़ बाई किया इधर से और क्या चीज़ नहीं बाय की बिकॉज़ अगर मैंने आपको बता दिया तो सारा सस्पेंस जो है ना ख़राब हो जाना बिकॉज़ लॉट्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स एंड लॉट्स ऑफ मेरे रिलेटिव जो है ना वो यहाँ पे व्लॉग मेरा देखते हैं हमारा देखते हैं व्लॉग तो उन लोगों को भी सब पता चल जाएगा कि हम लोगों ने शादी में क्या पहनना एंड क्या नहीं पहनना सो आई डोंट वॉन्ट इट दैट कि उनको पता चले एंड देसो कॉपी मी और मुझे कॉपी करे आई नो सो मैंने ये चाहती इसलिए मैं आपको भी नहीं बताऊँगी कि मैंने अपने लिए क्या लिया मामा ने अपने लिए क्या लिया और हमने भाभी के लिए क्या लिया अपने तो अभी तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी सो so, आज हम लोगों ने भाभी की जो है ना माइयों का ड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया था हम लोगों ने उनको क्या बना के देना है तो उनका रो तो माशा वो वाला ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा है वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों लो लो गे ने गेस लगाने हैं कि कौन सा सिलेक्ट किया होगा और कौन सा नहीं लेकिन अभी तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बताएंगे बिकॉज सारा सस्पेंस जो ना खराब हो जाएगा मे भी वो चीज़ें मैं आपको दिखाई ना हो और मे भी वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हूँ इट्स यू नो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं लेकिन um, आपको आई एम श्योर पता नहीं चलेगा सो so, फिर हम लोग आ गए यहाँ पे इस शॉप का नाम आई डोंट रिमेम्बर मुझे याद नहीं आ रहा क्या था लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है मामा ने यहाँ पे अपने निकाह के ड्रेस भी यहाँ पे लिया था जो भाई के निकाह पे वेयर किया था वो भी बहुत अच्छा था यहाँ से लिया था और इन शाला इन शाला इन शफ़ा तो मैंने खुद हैंडमेड कपड़े जो है ना पहनने रेडी मेड नहीं लेने हैं बिक ऑलरेडी हैंड मेड ही होते हैं लेकिन जब मैंने अपनी मामा से खुद बनवाना है बिकॉज जो जो हमारे रिलेटिव्स हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको होगा मेरी मामा बहुत अच्छे स्टिच करती हैं कपड़े जैसे मैं उनको पिक्चर दिखाती हूँ सेम टू सेम स्टिच हो के वो मुझे वैसे क्या वैसा मिल जाता so, है सो आई एम वेरी लकी इन दिस मैटर अलहद और इन शाह इनशा मैंने खुद भी स्टिचिंग सीखनी है बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल और आप खुद अपनी मर्जी के जैसे भी आप अपने डिज़ाइन करके पहन सकते हैं कपड़े तो मैं तो इन शाह इनश्ला फॉर ऑनली माई सेल्फ इनशाला सीखूँगी बाकी भाई की शादी की तैयारियाँ माशा जोरों शोर से स्टार्ट हो गई हैं तो अब हम लोग भाभी का जो है ना सेलेक्ट करने आए हुए थे यहाँ पे बाई करने आए हुए थे अगर हमें कोई अच्छा लगता तो हम लोगों ने उनके लिए ले, ले लेना था तो हम लोग माइयों के ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे उसके बाद जो है न कुछ अपने लिए भी देख लिए और कुछ उनकी जो बड़ी वगैरह होती है उन चीज़ों उनके लिए भी देख ली चीज़ें तो आ, कुछ चीज़ें बाय भी की हमने कुछ नहीं लॉट्स ऑफ थिंग हम लोगों ने बाय कर ली थी और हमारा ये माइंड है कि हम लोग ना एक एक करके जो है ना एक लाइक टू थ्री तीन चार इस तरह की चीज़ें लेके ना हम लोग रखेंगे बिकॉज़ एकदम से जब आप शॉपिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं ना हर एक चीज़ की ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो सो so, उस तरह बिल्कुल भी अच्छी शॉपिंग नहीं होती अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ एंड माई मामा बिकॉज तब हम एक ही वेराइटी में घुस जाते हैं हाँ चलो ये भी ये भी ये भी ये भी सो आई एम नॉट एग्री फ्राम मुझे नहीं अच्छा लगता इस चीज़ से फिर उसके बाद हम आगे मेहंदी की शॉप पे जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत करनी है डेकोरेशन वगैरह जो वट एवर जो भी करना है हम लोगों ने वो हम लोगों ने किया इतना बड़ा फंक्शन तो हमारा होना नहीं बिकॉज हमारे कुछ कुछ ही लाइक like, इतनी फैमिली uh, गैदरिंग्स नहीं है हमारे इतने ही नहीं हैं ना ननियाल में ना इधर दयाल में जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल फिफ्टीन फिफ्टीन लगा लें आप इतना लगा लें बस इतने ख़ानदान होंगे फैमिलीज़ होंगी हमारे बिकॉज वी आर नॉट हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा खानदानी ना ही ननियाल से ना ही ददयाल से ददयाल में हैं बट लॉट्स ऑफ पीपल जो है ना इस दुनिया से चले गए हुए हैं सो इसी तरह जो है मतलब इतनी नहीं है हमारी लेकिन जो मेरी भाभी के उस साइड से ना वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं उनकी फैमिली अच्छा तो ये थी ज्वेलरी हम लोगों ने देख रही थी यहाँ से अपने लिए देखी थी कुछ भाभी के लिए भाभी के लिए देखी थी तो ये सब ज्वेलरी हम लोग दिखा रहे हैं आपको और भी बहुत कुछ आर्टिकल थे जो फर्स्ट फर्स्ट दिखाए थे मुझे इतने हाथ अच्छे नहीं लगे थे बट वन ऑफ देम जो ये वाला था ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट था मे बी मैं अपने लिए बाई कर लूँ बिकॉज इट्स वेरी गुड दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था सो राजस्थानी नेकलेस टाइप उसको कुछ कहते हैं एंड ये वाला भी बहुत अच्छा होता कुछ हमने अक्सर भाभी के लिए यहाँ से देखे थे और कुछ अपने लिए देखे थे कुछ मामा ने अपने लिए देखे थे लेकिन हमने अभी जो है ना ज्वेलरी बाय नहीं की थी बिकॉज हम लोगों ने सोचा कि अभी इतनी शॉपिंग काफ़ी है बिकॉज हम लोग बहुत देर से निकले हुए थे घर से लेकिन हमने देख लिया था आते हुए कि हमारे लाइक एक नज़र में रह जाए बात कि हम लोगों ने यहाँ से ज्वेलरी लेनी है बहुत अच्छी शॉप थी मुझे शॉप किसी शॉप का नाम नहीं याद कुछ कुछ मैंने व्लॉग्स में लगाए हुए हैं कुछ लाइक शॉप ओशन द हाफेज वाले जो हैं और उसके बाद मामा ने यहाँ से अपने लिए सॉफ्टी ले शूज़ होते हैं वो लेने थे उन्होंने अपने लिए कम्फर्टेबल शूज़ पहनती हैं मेरी मामा हमेशा चाहे शूज़ हैं चाहे हील है चाहे कुछ भी फ्लैट सॉफ्टी वटेवर वो हमेशा कम्फर्टेबल चीज़ पहनती हैं जिनमें उनका पाँ जो है ना कम्फर्ट फील करे वो नहीं देखती उसकी डेकोरेशन uh, जो uh, बाहर की डेकोरेशन होती है वो नहीं आउटर डेकोरेशन कुछ नहीं देख देखती शी जस्ट ओनली चेक दैट कि सॉरी फ़ोन uh, कह रही हूँ जूता जो है ना वो उनका कंफर्टेबल है या नहीं है वो वही चीज़ बाय करती हैं अदरवाइज़ जो उनके सामने कोई हीरो वाला जूता भी हो ना अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो वो नहीं पहनती सो so, uh, उनकी तो ये आदत है अच्छा तो लेकिन मेरे लिए नहीं बिकॉज आई एम नॉट आई एम नॉट अ पर्सन हु कंप्रोमाइज़ इन अ फैशन मैं वैसी बंदी नहीं हूँ सो हाय मम्मी हाय हाय अच्छा तो उसके बाद <coughs> यहाँ से शूज़ वगैरह दिखे मामा ने लिए और उसके बाद जो है ना हम लोग आ रहे थे और पूरे बाज़ार में पता क्या हो रहा था कि मामा का अब आया मामा ने आज पहन ही लिया था तो <laughs> बार बार मेरे पाँव के नीचे आ रहा था मामा का एक साइड का जूता आई थिंक राइट साइड का इतना गंदा हो गया और अब आया भी मामा की थी लगता भाई मैं किसी किसी पिंडो उठ के आई हैं तो मैंने कहा मामा मेरा तो कसूर नहीं है आप खुद उठा लेना आप ऐसे स्टाइल से चल रही हैं बैग पकड़ के और लोगों ने कहना देखो जरा बेटी ने उन्हें सर्वेंट रखी हुई है बेटी ने एक साइड से बाय उठाया हुआ है तो मामा कहती हाँ हाँ बस मुझे यही सुनने को मिला था तो मैंने कहा मामा प्लीज़ रिलैक्स एम जस्ट किडिंग तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए इधर इस शॉप को भी मुझे नाम नहीं पता ये जस्ट गोल गप्पों के दुकान के सामने वाले शॉप पे यहाँ पे हम लोग आ गए और फिर उधर से हमने कुछ चीज़ बाई की मामा के लिए और फिर मुझे लग रही थी शदीद भूख आई वॉज़ वेरी हंग्री और वैसे भी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी तो और मैं घर से ही सोच के गई थी कि मैंने यहाँ से जाके खाना है आफ्टर दैट ये था हमारा जी आज का शादी का पहली शॉपिंग का व्लॉग तो दुआ करें हमारे काम में अल्लाह ताली बरकत था करें आमिन सो मामिन सो आई होप सो गैस यू लाइक दिस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अल्लाह फिर, फिर...